स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अपनी पहचान बनाने वाला इंदौर अब जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नया आयाम बनाने जा रहा है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाली इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत विधानसभा 2 और 3 वार्डों में शुरू होने जा रही है, जिसकी शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आम जनता और गरीब तबके के स्वास्थ्य को लेकर इंदौर की 2 विधानसभा क्रमांक 2 और 3 में ऐतिहासिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रम और शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत दोनों विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता दोनों क्षेत्रों के 5-5 वार्डों में 10 सितंबर से 19 सितंबर तक स्वास्थ्य कर्मी की भूमिका निभाएंगे। उनके साथ लगभग 1000 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और स्टाफ की टीम भी रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि स्वास्थ्य दूतों की ये टीम इन वार्डों में घर घर जाकर एक मोबाइल एप्लीकेशन के परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर हेल्थ कुंडली बनाएगी। इसके आधार पर मरीजों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और हेल्थ एम्बेसडर बने कार्यकर्ता मरीज को सेकेंडरी सेंटर पर ले जाएंगे, जहां पर पीड़ित की संपूर्ण एक्सरे, सोनोग्राफी, ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई एवं 154 तरह के टेस्ट भी निःशुल्क किए जाएंगे और दवाइयां भी निःशुल्क दी जाएंगी। जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर इंदौर में विश्वविख्यात डॉक्टर्स का जमावड़ा लगेगा और सभी डॉक्टर्स निःशुल्क उपचार और ऑपरेशन भी करेंगे। विजयवर्गीय ने बताया कि जन स्वास्थ्य की इस ऐतिहासिक पहल के तीसरे चरण में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके लिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विशाल शिविर लगाया जाएगा, जिसमें देश भर के 150 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर भाग लेंगे। इनमें कैंसर, हृदय, किडनी, हड्डी, लीवर, फेफड़े, नेत्र रोग, न्यूरोलॉजी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर और मेडिकल साइंस, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्ध, पुनानी और योग के विश्वविख्यात विशेष उपचार करेंगे। लोगों को सर्जरी की जरूरत होगी, जिन लोगों को सर्जरी की जरूरत होगी उनकी सर्जरी भी निःशुल्क करेंगे, जिसमें योग और देश भर के शीर्ष डॉक्टर्स, स्थानीय डॉक्टर्स, हॉस्पिटल संस्थाओं आदि के सहयोग निःशुल्क रहेगा। मरीज के संपूर्ण जॉब एवं दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को बधाई के साथ, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने सपरिवार महाकाल से प्रार्थना की थी कि इंद्र देवता बरसें, और आज चौथे दिन हम देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में घनघोर बादल हैं और बारिश प्रारंभ हो गई। जो फसल खराब होने वाली थी वो फसल खराब होने से बच गई। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि 10-20% फसल खराब हो, पर अधिकांश फसल हमारी अब खराब नहीं होगी ऐसा लगता है, और इसलिए मैं किसान भाइयों को भी बधाई देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि उनकी साधना सफल हो गई। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि रथ यात्रा चल रही है। मुझे अभी बुरहानपुर, खगनार, पंधाना, नेपानगर, बुरहानपुर, यहाँ सब दूर रथ यात्रा में जाना था। सुबह 8 बजे से मैं एयरपोर्ट पर था, किंतु मौसम खराब होने के कारण मैं जा नहीं सका, और वहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो वहाँ मेरे साथी तुलसी सिलावट जी पहुँच गए हैं, मेरा जैसे ही बारिश बंद हो आप रथ यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। तो इस बचे हुए समय में मैंने सोचा क्यों ना आपसे मुखातिब हो जाऊं। वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रमेश जी और आकाश जी लेने वाले थे, मैं ऑनलाइन जोड़ने वाला था, किंतु आपके दर्शनों का लाभ मुझे मिलना था, इसलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ। इंदौर स्वच्छता में तो प्रथम है, पर हम स्वास्थ्य में भी इंदौर प्रथम हो, इसकी एक पहल प्रारंभ कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और 3 के 5-5 वार्डों से करेंगे। ऐसा शिविर मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। इसमें
स्थानीय डॉक्टर्स, स्थानीय हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पैरामेडिकल स्टाफ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वास्थ्य दूत बनकर घर घर जाएंगे। चार चार लोगों की टीम होगी जो हाइट, वेट, ब्लड टेस्ट करेगी और उनका एक मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन के माध्यम से उन सब का एक रिकॉर्ड बनेगा। यह प्राथमिक जांच होगी। इसमें स्क्रीनिंग होगी ऐसे लोग जिनकी बीमारी ज़्यादा है, सामान्य बीमारी होगी तो हम स्थानीय डॉक्टर से उनका इलाज करा देंगे, पर गंभीर बीमारी है जैसे हार्ट की बीमारी, न्यूरो, लंग्स, किडनी, ये सारे गंभीर रोग जितने भी हैं उसके लिए उनको फिर स्क्रीनिंग करके दूसरी जांच में जाना होगा। वहाँ पर ईसीजी होगा, आवश्यकता हुई तो सारी जांचें, चाहे वो आप 154 तरह की 154 तरह की तो ब्लड जांच होगी, इसके अलावा सीटी स्कैन होगा, एमआरआई, ये सब की व्यवस्था और सब निःशुल्क होगा। वहाँ पर जितनी भी जांच होती है जो आवश्यक उस पेशेंट के लिए होगी वो सारी जाँचें होगी, सारी निःशुल्क होगी। ये हमारे स्वास्थ्य एम्बेसडर जो स्वास्थ्य दूत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पैरामेडिकल स्टाफ के साथ घर घर जाकर जांच करेंगे, उस जांच के आधार पर गंभीर रोग के पेशेंट्स को ले जाकर दूसरी जांच में ले जाएंगे। यहाँ पर सारी जांच होने के बाद एक फाइल तैयार होगी, ये पूरी पेपरलेस होगी। हमारा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसके अंदर एक एक मरीज का पूरा जांच, पूरा डेटा उपलब्ध होगा, जैसे ईसीजी की रिपोर्ट उसमें भर दी जाएगी। फिर देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स जो भी हैं, जैसे एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर रमाकांत पांडा, डॉक्टर भोजराज, डॉक्टर पुजारी जो न्यूरो सर्जन हैं, ऐसे बड़े डॉक्टर्स सब आएंगे। फाइल बनाकर सिलेक्टेड जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं उनको उनके पास ले जाएंगे। इस पूरी व्यवस्था के अंदर लगभग 1000 मैन पावर लगेगा, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी होगा, स्थानीय डॉक्टर भी होंगे और बाहर के डॉक्टर भी होंगे। यह हम क्योंकि पूरे शहर का करने में समय लगेगा तो यह हम पहले चरण में 5-5 वार्ड ले रहे हैं। उसके बाद फिर अभी प्रशासन भी थोड़ा सा व्यस्त है और हम भी चुनाव में व्यस्त हैं तो ज़्यादा समय हमारे पास कम है, पर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं 17 सितंबर से, पर जांच का काम हम 9 सितंबर से प्रारंभ कर देंगे, मतलब कल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वास्थ्य दूत बनकर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ घर घर जाना प्रारंभ कर देंगे। 10 से 15 तक ये सारी जाँच हो जाएगी और 15 के बाद फिर 17 तारीख को इस सारे डॉक्टर्स आएंगे और कैंप लगाएंगे। अभी चूँकि बारिश हो गई है, पहले हमने नेहरू स्टेडियम का सोचा था पर अब इस बारिश के कारण लगता नहीं कि हम वहाँ कर पाएंगे, तो अभी कोई स्कूल आज शाम तक हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छा, और सोच रहे हैं संडे वाला दिन है तो वहाँ उस व्यवस्था का हम उपयोग करेंगे। पर इसकी शुरुआत हम 10 तारीख से कर रहे हैं और ये 15 तक पहले चरण की जांच हो जाएगी, 15 से 17 तक दूसरे चरण की जांच होगी, फिर तीसरे चरण में जाएंगे। वहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर देश भर के, चाहे वो पीडियाट्रिक्स का हो, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो
लंग्स का हो, सारे स्पेशलिस्ट देश भर के लगभग 140 डॉक्टर्स ने हमको आने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। चाहेंगे तो हम आपको उन डॉक्टर्स की सूची भी दे सकते हैं। दे दिया। और इंदौर के भी अधिकांश डॉक्टर्स इसमें योगदान देंगे। हम 2-3 बैठ के हम कर चुके हैं जिला प्रशासन के साथ, सारे डॉक्टर्स के साथ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ हम सारी बैठ के कर चुके हैं। और इसका शुरुआत हम 10 से कर देंगे और 17 तारीख को, ये सब प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय लिया है कि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाएं, लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करें, उसके बाद निःशुल्क, अच्छा ये शिविर जरूर हम बोल रहे हैं पर ये शिविर नहीं है, इसमें निरंतरता रहेगी। ऐसे गंभीर बीमारी के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज, ऑपरेशन, ये महीने लगे, 2 महीने लगे, इन सब करेंगे। ये सभी चीज़ें निःशुल्क होगी, मेडिसिन भी निःशुल्क होगी, सब निःशुल्क होगा। सरकार ने इसमें काफ़ी पहल की है। पहले आपको शायद याद होगा कि मध्य प्रदेश में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे और 600 डॉक्टर्स बन पाते थे। आज 30 मेडिकल कॉलेज हो गए और 3000 डॉक्टर्स हर साल बन के निकलेंगे। हमेशा बिल्डिंग बन जाती थी कि तो डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते थे। पहले जो चिकित्सा विभाग का बजट भी बहुत कम था, अब लगभग 10 times हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और पहली बार विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान योजना ये भारत में लागू हुई है। इसका लाभ काफ़ी लोगों को मिल रहा है और इसमें 50 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा में कवरेज हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम किया है प्रदेश और केंद्र सरकार ने, मैं समझता हूँ इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इंदौर में काफ़ी हम कोशिश करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर थोड़ा सा नियंत्रण हो, पर अब हमारी पहल ये होगी कि हम शासकीय हॉस्पिटल इतने अच्छे बनाएं कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं नहीं। जैसे विशेष हॉस्पिटल है वहाँ पर अभी हमारे आकाश जी काफ़ी इसको गंभीरता से लेते हैं, वहाँ फैकल्टीज़ अच्छी आ रही है, डॉक्टर्स अच्छे आ रहे हैं, सुविधा अच्छी हो रही है। ऐसे और हॉस्पिटल बना सकते हैं क्या, इस दिशा में हम काम करेंगे। और अभी एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना है, आने वाले समय में और भी बन सकते हैं क्या, इस दिशा में हम काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कल हमारी उन लोगों के साथ बैठक भी हो गई है। और ये तो अभी शिविर के माध्यम से परीक्षण करेंगे, पेशेंट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर महीने में एक बार OPD भी लगेगी वापस उन लोगों को फॉलोअप के लिए। तो हर महीने इस प्रकार OPD में वो वापस आकर अपनी अगर कुछ परेशानी हो तो वे चिकित्सा सुविधा का मार्गदर्शन का लाभ ले सकेंगे। वार्ड कौन कौन से चुने हैं, क्या वो एक नंबर 2 नंबर 6? हमने वार्ड में भी क्या, एक वार्ड आया जैसे, तो उसमें हमने बस्ती क्षेत्र को चुना है। कई बार हमने देखा, जब मैंने तो देखा है कि घर में माँ बाप बीमार हैं, बच्चे माँ बाप को प्यार भी बहुत करते हैं पर इलाज नहीं करा पाते, तो ऐसे हम गरीब परिवारों को ढूंढ रहे हैं। जैसे एक वार्ड में न संपन्न हैं, उनके पास नहीं जाएंगे, पहले गरीब बस्ती में जाएंगे। इसलिए 10 वार्ड की जगह 15 वार्ड भी हो सकते हैं पर हम बस्तियों को ढूंढेंगे, गरीब बस्तियों को पहले लेंगे। वो सिर्फ परीक्षण किया गया था, हम इलाज क्यों जा रहे हैं और उसका इलाज करेंगे। फिर वो 100 लोग हों, 200 लोग हों, 500 लोग हों, 1000 लोग हों, जो भी हो, जितने भी ऑपरेशन करना होंगे हम ऑपरेशन करेंगे और निःशुल्क करेंगे। हमने कुछ ऐसे ग्रुप जो इसमें CSR के माध्यम से फंड्स देते हैं उन लोगों से भी बात की हुई है। वो एक
सिंबॉलिक था, हम परिणाम मूलक करेंगे। नहीं देखिए, अच्छा काम की शुरुआत जब आप करते हैं ना तो सब लोग अपने आप आ जाते हैं। मैंने लगभग 250 डॉक्टर्स को पत्र लिखे थे ना, उसमें से देश भर के हमने 250 डॉक्टर्स को पत्र लिखे थे, उसमें से इतने डॉक्टर्स की स्वीकृति आई है। कल हमारे शंकर नेत्रालय के डॉक्टर मेंडे, जो कि कॉर्निया के एशिया के बहुत सबसे बड़े डॉक्टर हैं आज की तारीख में, उन्होंने भी कल आने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार ये बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जो एक एक के बाद एक आते जा रहे हैं और हमें स्वीकृति देते जा रहे हैं। भविष्य में ये दोनों विधानसभा मॉडल बनेगी अन्य विधानसभाओं के लिए? हम इंदौर को मॉडल बनाएंगे, हम विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें मैन पावर बहुत लगेगा। तो हम एक टेस्ट के स्वरूप 10 वार्ड चुन रहे हैं, इसमें क्या परेशानी आएगी, क्योंकि इस प्रकार का शिविर देश में पहली बार हो रहा है, तो इसमें क्या क्या परेशानी आएगी ये भी हमें पता लग जाएगा। अभी हम 10 वार्ड इसलिए ले रहे हैं कि बाकी सारे वार्डों में बाद में करेंगे। इंदौर स्वास्थ्य में नंबर 1 बने, स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही, स्वास्थ्य में भी नंबर 1 बने। और इसमें ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एलोपैथी से इलाज कर रहे हैं, हम आयुष मंत्रालय को भी जोड़ रहे हैं, इसमें आयुर्वेदा से भी जोड़ेंगे, होम्योपैथी वालों को भी लाएंगे, यूनानी भी मेडिसिन लाएंगे, योगा प्राणायाम इसके प्रशिक्षक भी होंगे। तो हर क्षेत्र से स्पेशलिस्ट लोग आएंगे और यहाँ पर अपनी सेवाएँ देंगे।